और मजा आया बहुत, और वो पल भी तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही है, क्योंकि यार मैं बताऊँ, 2 दिन का मतलब मेला था ना, मैंने आप लोग को बताया था पिछले ब्लॉग में। तो 2 दिन के मेले में ना, मैंने दोनों दिन मेले में गई और मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर भी मुझे मिली। बट अफसोस ये है कि मैंने उसके साथ कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाई, क्योंकि भीड़ बहुत थी 2 दिन के मेले में। मैंने आप लोग को बताया था ना कितनी पब्लिक आती है 2 दिन के मेले में। और हाँ, ये 2 दिन के मेले में मेरे जो पिंपल आई है ना मेकअप की वजह से, यार लोग बोलते हैं कि खुशी तो मेकअप किया करो, अच्छी लगती हो, मेकअप तो कर लूँ यार, लेकिन ये जो पिंपल आ जाती है इसका भी कोई इलाज बताओगे या नहीं? बस मेकअप कर लो, अच्छी लगती हो, ओके, बट इसका इलाज बताना, ठीक है? वैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी पिंपल जाए, बट हो नहीं रहा है। शायद मेरा ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है कि ब्लड में प्रॉब्लम है, दवाई लेना स्टार्ट कर दो। और दवाई तो इतनी कॉस्टली है यार, मैं ले नहीं सकती, मेरी औकात की बाहर है, ठीक है? तो काफी लोगों ने बोला था कि मेला जाना, तो मेला का फुल ब्लॉग बनाना। बट गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आप लोग को बोला था कि मेरी आँख यहाँ पे ना, इस वाली आँख में ना मेरी ना सूजन सी आ गई थी। तो मैंने आप लोग को बोला था ना कि पापा मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। बट हुआ ये था ना कि जैसे मतलब मैंने आप लोग को बोला था ना कि मैं कान की वजह से सो नहीं पा रही थी, बट मेरी आँख जब सूजी ना तो मैं अच्छे से सोई, पूरा मतलब पूरा दिन सोई मैं, तो ना मेरी जो आँख थी ना वो थोड़ा बहुत सही हो गई थी। तो यस, पापा ने जाने के लिए बोल दिया था कि हाँ चले जाओ। तो ना एक दिन मतलब जो पहला मेला था, उस दिन मैं, मेरी बुआ, मेरी मम्मी को छोड़ के बाकी सब गए थे। और फिर जो कल का मेला था, उस दिन मेरी पूरी फैमिली गई थी पापा को छोड़ के, बिकॉज पापा को ऐसे मेले वेले में भीड़ भीड़ में पसंद नहीं है जाना, तो वो नहीं गए थे, बट हम सब गए थे। तो मेले का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यार मम्मी और बुआ ने बिल्कुल भी मना कर रखा था, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना और चोरी वगैरह इतना हो रहा था वहाँ पे, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन अब से मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर दूंगी। आप लोग मुझे इतना बोल रहे हो, खुशी प्लीज़ वीडियो दो, वीडियो दो, वीडियो दो। तो गाइस, मैं वीडियो ज़रूर दूंगी। और मुझे ना सर्दी भी हो गई है, पता नहीं किस वजह से हुई है, शायद मैंने कुछ ठंडा खा लिया हो इस वजह से। मैंने आइसक्रीम भी बहुत खाई है इस टाइम पे, मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। तो हाँ, मैं आप लोग को मेले का वो तो नहीं दिखा पाई भीड़ भाड़, लेकिन जो मैं वहाँ से लाई हूँ वो तो मैं आप लोग को दिखा ही सकती हूँ ना। तो यस, मैं दिखाऊंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी आप लोग को मैं दिखा दूँ कि मेरा पूरा घर फैला है यार, क्योंकि आप लोग बोलोगे खुशी कितनी आलसी हो, बट ऐसा नहीं है। जब मेरी तबीयत ख़राब होती ना तभी मेरे अंदर आलसपन आता है। मेरा पूरा रूम पहला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ना अभी ना मैं पहले सबसे पहले अपने रूम को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं हॉल को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं किचन को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई वहाँ से। और ना बहुत जल्द मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। आई नो कब तक होता है, दीपावली के पहले होता है, दीपावली के बाद होता है, आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं ये चीज़ ना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वो जो सपना मेरा पूरा होने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली आपकी वजह से पूरा होने वाला है। तो आप लोग भी सोचो कि क्या वो सपना है जो मेरा पूरा होने वाला है, ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले पूरा पूरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ एंड देख सकते हो पूरा मैंने रूम वगैरह सब कुछ साफ कर लिया है। अब चलो आप लोग को फटाफट से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, और आप लोग को उसमें से क्या अच्छा लग रहा है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बट हाँ, इसमें ना मैं आप लोग की चीज़ बता दूँ, कृष्णा ने ना कुछ भी नहीं लिया। मैं ना एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं कृष्णा से छिप के कुछ चीज़ लेती हूँ ना, तो वो चीज़ वो ले लेंगे खुशी खुशी, बट उसमें भी वो थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, ठीक है? तो इसलिए उनके सामने तो उनके लिए कुछ लेना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। वो मुझे ही दिलाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। अगर मैं ज़िद भी करती हूँ कि नहीं ले लो ले लो, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना। तो यार देखो, अभी दशहरा आ रहा है, दशहरा के लिए कृष्णा के लिए मुझे शॉपिंग करनी है कपड़े वगैरह का, तो वो मैं छिप के करूँगी। और हो सकता है ये छोटी सी क्लिप मैं कट कर दूँ, वैसे कृष्णा अपना ब्लॉग इतना नहीं देखते हैं इसलिए। तो चलो सबसे पहले ना मैं ना अपनी बचपन की याद लेके आई हूँ,
इससे ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। इसको कहते हैं गदा, जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, ये बच्चों के खेलने की चीज़ें होती हैं, बट इससे मेरी यादें ऐसी जुड़ी हुई है कि जब मैं छोटी सी थी ना, मतलब 6-7-8 साल की थी ना, जब से होश संभाला था ना, जब मेरी दादी मतलब मेरे को ना ये लेके दिया करती थी, और हम ना ये ऐसे घुमाते घुमाते ना पूरा मेला घूमते थे और घर आ जाते थे। मतलब ये कुछ याद है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ, इसको मैं रखूँगी अपने पास। और आप लोगों को ये कैसा लगा बताना, इन बच्चों के लिए। मैं ना कल ना जब मैंने इसको लिया ना, किशन ने बोला ये किस लिए ले रही है, बच्चे के लिए, बच्चा कहाँ है। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। मैंने उनको पूरी बात बताई, ठीक है, और ना ये मैं पूरी गली ऐसे ऐसे करती आई और मज़ा आया बहुत, और वो पल भी याद आया। तो कोई नहीं, इससे मेरी दादी की यादें जुड़ी हुई है, तो मैं ये मिस नहीं कर सकती थी ना, तो इसको मैं लेके आई। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है बच्चों के लिए, यार ये बहुत अच्छा है कि नहीं। और ना मैं ना अपने लिए ना स्लीपर, सैंडल, कुछ भी बोल दो, वो लेके आई डेली यूज़ के लिए। ये देख सकते हो, बताना कैसी लग रही है कमेंट करके। ये ना मुझे ना मतलब ये ना सिर्फ हम ना जैसे डेली यूज़ के लिए कुछ दिनों के लिए बस पहन सकते हैं, क्योंकि ना मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया था। जब मैंने घर में आके चेक किया ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ से मतलब उखड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इसको पानी में पहनते हैं और ज़्यादा देर तक हम इसको पहन के चलते हैं ना, तो ये पक्का हमारा साथ कहीं भी छोड़ सकती है। तो यस, मेले का सामान नहीं लेना चाहिए वैसा, लेकिन कोई नहीं, मेरी जो दीदी है उन्होंने बोला कि ले ले, अच्छी लग रही है, तू भी पहन लेना कभी, मैं भी पहन लूँगी। तो मैंने इसको ले लिया यार, मात्र 150 रुपये की थी, इसे मैंने ले लिया, क्या जाता है 150 रुपये तो, मैं दी। और ना मैंने ना अपनी मम्मा से जिद करा करा के मतलब मेरी मम्मा पहले तो मेरे को लेके दिया करती थी, बट मैंने आज मतलब कल उनसे बहुत जिद किया, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, तो ना उन्होंने मुझे ये मंकी लेके दिया। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। और ये मंकी ना मैंने अपने मतलब सोच रही हूँ यहाँ रूम में टांगूंगी, बिकॉज ये अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है कि नहीं। तो बताना आप लोग को ये कैसा लग रहा है कमेंट में, अच्छा तो लग रहा है यार, है कि नहीं। और जहाँ से मैं ये ले रही थी ना, उन भैया ने ना मुझे बोला कि और भी कलर्स हैं, और भी कलर्स हैं, वो भी देख लो। बट मैंने कहा नहीं, मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों, रात में किसी को डराना है क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, ये ना ब्लैक ही अच्छा लगता है, ब्लू ये वो कलर वगैरह अच्छा नहीं लगता, मंकी तो ब्लैक ही अच्छे लगते हैं यार। बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। और ना मैं ना ये लेके आई, मेरी बुआ ने भी लिया और मैंने भी लिया, ये टेबल कवर है, खोल के नहीं दिखाऊंगी, आप लोग ऐसे ही देख लो, बहुत बड़ा है ये टेबल कवर। मतलब हमारे रूम में ना टेबल आने वाला है, बिकॉज ये जो सारा सामान है ना बहुत फैल जाता है, इसलिए टेबल लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग टेबल लाने वाले हैं, इसलिए इसको ना हम मतलब उसमें दिखाएंगे, और उसके ऊपर टेबल के ऊपर क्या क्या रखते हैं वो तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो बस मैं ना ये 3-4 सामान लेके आई कुल। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को मेला वगैरह घूमना पसंद है या नहीं, और ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्यार करो, और बस क्या बोलो, और बोल रही हूँ यार, क्या करूँ यार, समझ में नहीं आता है कुछ भी। और अभी मैंने खाना वाई करो, कुछ भी नहीं खाया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, एंड हाँ प्लीज़ चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय आप सभी को।